फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पूजा एंड आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल टू हेल्प यू ऑल एंड स्पेशली टीचर्स एंड ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड टू माई डियर स्टूडेंट्स एंड न्यू लर्नर्स एंड पीपल हु आर नॉट सो टेक सेवी एंड वॉन्ट्स गाइडेंस रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। एज वी ऑल नो, वी ऑल आर इन लॉकडाउन पीरियड, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। And I'll also be covering the CBSE syllabus for information technology and computer classes from 6th to 10th. So, let's get started. Yes, students, how are you all? Welcome to my channel. My channel's name is PS Fusion Health Zone और मैं हूँ पूजा, आपकी पूजा मैम। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि पाइथन को मोबाइल में कैसे हम स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड में स्विच अप करते हैं। सो कम ऑन एंड कम ऑन माय चैनल। और हम आगे सीखेंगे कि कैसे आपको लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है आपने स्टार्ट। ठीक है, बिगनर लेवल स्टार्ट करेंगे अभी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, कुछ सम, एडिंग टू नंबर्स और एक प्रिंट फंक्शन है, उसके बारे में हम सीखेंगे डायरेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन। सो कम ऑन, आ जाइए फिर फटाफट। एंड यू कैन डू पाइथन थ्रू पाइड्रॉइड सॉफ्टवेयर इन योर मोबाइल फोन। सो वॉट इज द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड योर पाइड्रॉइड 3। दैट्स वॉट आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो यू सॉ। ओके, सो दिस इज पाइड्रॉइड 3 IDE। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन द वीडियोज ऑल्सो, आई हैव मैंशनड इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ऑल राइट, so I'm downloading it to show you how you can do it now. It will be installed and then I'll open it. It's installing as you can see on the screen. This is the mobile screen I'm showing you, and I'm going to show you the same thing how you can do in your computer system also. Okay, so first let's see on the phone what you have to do. Look at the steps I'm doing it. Okay, this is to give you the demo. It has been installed. Now if you see this, this is my mobile application called Pydroid 3, and now you have to click on this one. See here, this is your menu. Okay, click on this, go to interpreter. Now you see, what do you see? This is a prompt. I told you how does it prompt when you click on interactive mode. You see the prompt starts from this symbol, right? So you can see these three symbols over here. See this, right? Now you start typing your program. This is which mode? This is actually interactive mode. Okay, interactive mode. Here you don't need to save any of the files. You just have to type the program. Suppose I want to add the two numbers. What will I write? I told you in the video and the lecture also, A is equal to 5. Then what do you do? You press the enter key. Raise the enter key. Enter key press karte hi. Let me do it again. By mistake, I clicked on the pen button. A is equal to 5, then enter, then B is equal to, let's say we take 3, then we press enter, and then we do sum. We are taking a variable A and giving it the value 5, then we have taken a variable B in which we have entered value 3. Now we have to sum. Kis cheez ka sum hume yahan par karna hai? A plus B ka. तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस b. ओके, वी विल नॉट राइट 5 प्लस 3 बिकॉज वी आर एडिंग द वैल्यूज इन द वेरिएबल्स वी हैव गिवन मेंशन्ड. ओके, तो सम भी आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर a और b ऐड हो जाएगा. देन यू प्रेस एंटर. नाउ प्रिंट फंक्शन आपको देना है, प्रिंट देन ब्रैकेट ओपन
and then you write sum. Sum is a variable which you mention inside the brackets. Okay, इससे क्या होगा, इसमें सम में जो वैल्यू होगी 5 + 3, ठीक है, 5 + 3 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 8, तो इसमें 8 आपका आ जाएगा. एंटर करो, देखो क्या आया, आ गया आपके पास 8. कैन यू सी दिस, 8 इज योर आंसर, दिस इज द आउटपुट यू गेट. सो इंटरैक्टिव मोड इज फॉर बिगिनर्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, आई एम गोइंग वेरी स्लोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. अगर आप पहली बार प्रोग्राम कोई लिख रहे हैं तो उसको ध्यान से एक एक स्टेप को देखेंगे, ठीक है. अब क्या हो गया, अब दोबारा से आउटपुट के बाद आपका ये आ गया प्रॉम्प्ट. अब प्रॉम्प्ट पे आपको सपोज मुझे लिखना है वेलकम टू द क्लास. ओके, नाउ यू सी द डिफरेंस, प्रिंट, नाउ आई राइट प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, नाउ आई गिव द डबल कोट, सी द डबल कोट्स आई हैव गिवन एंड मैंने लिखा वेलकम. या मैं सम लिख कर दिखाती हूँ आपको, सम से ही क्या होगा, देखो सम को मैंने डबल कोट्स में दिया, आप देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस है, एक में मैंने सम लिया है और एक में मैंने इसको डबल कोट्स में डाला है. तो डिफरेंस क्या है, जब मैंने सम लिखा तो वो वेरिएबल में जो वैल्यू थी 8 वो प्रिंट होके आ रही थी, लेकिन अब मैंने इसे डबल कोट्स में डाला, तो डबल कोट्स में डालने का मतलब ये है इट विल टेक इट एज अ स्ट्रिंग. ओके, ये स्ट्रिंग बना देगा इसको, और स्ट्रिंग इज, व्हाट इज स्ट्रिंग, मोर देन वन कैरेक्टर इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग. तो अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट को बंद करूँगी और फिर मैं एंटर करूँगी, तो क्या यहाँ पर प्रिंट कराया इसने, सम, एस यू एम, दिस इज द प्रिंटेड. सो प्रिंट इज अ फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स में जो आप देते हो वही आपका प्रिंट होके आता है. सपोज आप लिखना चाहते हो प्रिंट, देन यू ओपन द कोट्स, डबल कोट्स, नाउ यू राइट हेलो, हेलो व्हाट इज योर एज, ऑलराइट, वॉट इज योर एज, वी आर सिंपली प्रिंटिंग समथिंग थ्रू प्रिंट कमांड. नाउ एंटर, सी, हेलो वॉट इज योर एज, इसने जहाँ जहाँ मैंने कॉमा दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, एग्जैक्टली वही प्रिंट हुआ है. कैन यू से दिस, नाउ वॉट इज द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू, यू कैन डू लाइक दिस, एज इज इक्वल टू सपोज से 28, ऑल राइट, देन यू प्रेस एंटर, देन वॉट यू विल डू, प्रिंट ब्रैकेट ओपन, अब हम ब्रैकेट के अंदर खाली एज लिखेंगे, और एज हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हम 28 डाला है, ठीक है. तो अब क्या प्रिंट होके आएगा बता सकते हो आप, व्हाट विल बी प्रिंटेड, हमने एज को कोड्स में नहीं दिया, यहाँ पर ये स्ट्रिंग नहीं है इस वक्त, स्ट्रिंग कब बनेगा जब ऐसे डबल कोड्स में दोगे, लेकिन अभी ये क्या है, अभी इसमें वैल्यू गई है किसकी, एज की, एज की क्या वैल्यू है 28, तो ये किस में आ जाएगी, एज में वेरिएबल में आ जाएगी. एंटर करोगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा 28, राइट. तो इजी हो रहा है, तो इजी हो रहा है ये देखना. तो इस तरह से ये आपका है इंटरैक्टिव मोड. तो इंटरैक्टिव मोड ही सबसे पहले हमें सीखना है, क्योंकि स्क्रिप्ट मोड आप जब करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी. स्क्रिप्ट मोड भी कोई डिफरेंस नहीं है बहुत उसमें, बस ये होता है स्क्रिप्ट मोड में हमें फाइल को सेव करके फिर उसका मॉड्यूल को रन करना पड़ता है, ठीक है. चलो अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ. यस स्टूडेंट, सो एज यू कैन सी दिस इज माई कंप्यूटर स्क्रीन. ओके, ऑल राइट, नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन रन द पाइथन प्रोग्राम एंड डू द पाइथन इन योर कंप्यूटर्स. ओके, व्हेन यू गो टू स्टार्ट बटन, इफ यू हैव डाउनलोडेड द पाइथन वर्जन, यू विल सी लाइक दिस, एंड यू ओपन इट, विच विल बी द फर्स्ट स्क्रीन, कैन यू टेल मी, फर्स्ट स्क्रीन कौन सा आएगा, इंटरैक्टिव, ठीक है, इंटरैक्टिव मोड में ओपन होगा ये पाइथन. लेट्स सी, इट्स गोइंग टू ओपन नाउ. यस, यू कैन सी विच इज द प्रॉम्प्ट, यू कैन सी यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ गया है, ठीक है. तो ये आपकी विंडो है, ये इंटरैक्टिव मोड है. अब यहाँ पर सीधा आप टाइप करना शुरू करोगे, जैसे कि मैंने आपको फोन के अंदर बताया था पाइड्रॉइड में, तो यहाँ पर भी आपको वही करना है. सो व्हाट विल राइट, इज इक्वल टू बी, ओ इज, ए इज इक्वल टू 4, देन बी इज इक्वल टू 5, एंड देन आप सीधा सम कर दोगे, सम ब्रैकेट ओपन, एंड सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, प्रेस एंटर, देन वॉट विल यू प्रिंट, यू विल प्रिंट सम, एस यू एम. ओके,
सम विल बी प्रिंटेड. सम कितना है यहाँ पर? 9. 5 + 4 = 9. सो प्रिंट क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा. अब अगर हमें इसको सिंपल ऐसे करना होता, वेलकम मैसेज देना होता, तो हम इसको डबल कोट में देते, वेलकम टू माय फर्स्ट फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ऑलराइट, एंड यू क्लोज द brackets and double quotes and now press enter. So you see the message. What is the message here? Welcome to my first program, right? Okay, so this is the way you can do it. Agar aapko yahan par script mode mein jana hai, computer pe dikha rahi hu, to file mein jana hai script mode mein jane ke liye, theek hai. Yahan pe new file par click karna hai. New file ke liye shortcut key kya hoti hai? Ctrl+N. kuch cheeze knowledge ke liye main aapko saath saath deti rahungi, theek hai. न्यू फाइल के लिए Ctrl+N एंड दिस इज योर एक्चुअली स्क्रिप्ट मोड. तो जब आप यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखोगे, जैसे कि जो भी हम लिखेंगे इज इक्वल टू बी, देन बी सॉरी इज इक्वल टू 5, देन बी इज इक्वल टू 6, देन सम इज इक्वल टू 8 + b, देन प्रिंट सम, ठीक है, प्रिंट सम एंड देन यू प्रेस एंटर. एंटर से नहीं होगा. देखो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता था, आप इसको रन करते, इसको क्लियर एंटर करते थे, तो यहाँ पर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इसको स्प्लिट करके दिखा देती हूँ आपको विंडो को. देखो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है? इंटरेक्टिव मोड. राइट हैंड साइड आपका स्क्रिप्ट मोड चल रहा है. तो स्क्रिप्ट मोड में आप देखो एंटर की प्रेस करी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, आउटपुट साथ साथ नहीं आया, लेकिन इंटरेक्टिव मोड में देखो फटाफट से आ गया. अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे फाइल को सेव करना है. सो व्हाट विल यू डू? यू विल सेव एज, एंड व्हाट इज द एक्सटेंशन? एक्सटेंशन इज .py. तो आप इसको सेव कर लोगे. यहाँ पर फाइल नेम आ गया और एक्सटेंशन याद रखेंगे py. ओके, दिस इज योर फर्स्ट फाइल. तो फर्स्ट प्रोग्राम से मैं लिख लेती हूँ इसको, ठीक है, और इसको फिर मैं सेव कर देती हूँ यहाँ पर. सो इट इज सेव नाउ. और सेव जब हो जाती है फाइल, तो आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे नाम देखो, ऊपर यहाँ लिखा हुआ है firstprogram.py. सो उसके बाद आप इसको रन करेंगे आउटपुट देखने के लिए. तो यहाँ पे रन ऑप्शन है, रन पे जाओगे और रन मॉड्यूल, ठीक है, F5 की प्रेस करोगे तो आपको वो रन हो जाएगा. रन के लिए शॉर्टकट की होती है. अब देखो जैसे मैंने रन किया, तो आप देखो इंटरेक्टिव मोड पे जो मेरा ये स्क्रीन था, ठीक है, ये जो था मेरा वाइट स्क्रीन, यहाँ पर क्या आ गया? आउटपुट मेरा यहाँ पर आएगा. कैन यू सी दिस ऑन द लेफ्ट साइड? 11. सो 5 + 6, 11 का आउटपुट यहाँ पर शो होगा, यहाँ इस विंडो पे, ठीक है. अब ये आपका इंटरेक्टिव मोड इधर चल रहा है, यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट मोड है. तो ये स्क्रिप्ट और इंटरेक्टिव दो चीजें हो गई, ये आपको पता लग गया. अब इसी तरह से हमने सारे आगे प्रोग्राम्स करने हैं, ठीक है. तो स्क्रिप्ट मोड में डिफरेंस भी पता लग गया कि फाइल करना है, सेव एज करना है, उसके बाद रन जाके रन मॉड्यूल. एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की? शॉर्टकट की इज F5. ऑलराइट.